नामदार परिवार और बैठ यहां पर बैठे हुए उनके राग दरबारी तो अपनी सल्तनत को मजबूत करने में जुटे हुए थे, आपकी उनको चिंता नहीं थी। उनको सभी की भलाई से ज्यादा मलाई की चिंता थी। हम आपकी भलाई के लिए काम करते हैं, वो अपनी मलाई के लिए काम करते हैं। अब आप बताइए, आपकी भलाई काम करने वाला आपको नेता चाहिए कि मलाई खाने वाला चाहिए? अब मलाई खाने वालों को आपने विदा कर दिया है, दोबारा घुसने मत देना, वरना ये ऐसे लोग हैं मलाई चौपट कर जाएंगे। गरीबों के सस्ते राशन के साथ इन्होंने क्या किया था याद है ना? गरीबों के राशन के साथ क्या किया था इन्होंने, भूलना मत। गरीबों का राशन कौन खाएगा, खा गया था कौन, खा गया था? अरे जरा जोर से बताइए, देश सुन रहा है, कौन खा गया था, कौन खा गया था? इनकी खाने की ताकत इतनी है, वो केरल में भी खा सकते हैं, अरुणाचल में भी खा सकते हैं, आसाम भी खा सकते हैं। पीडीएस स्कीम में किसको जेल जाना पड़ा? भाई और बहनों, 5 साल का सेवा भाव और 55 साल के सत्ता सुख का फर्क यही होता है। इनकी सरकार दिल्ली में हो या फिर किसी भी राज्य में, कांग्रेस की हमेशा करप्शन से मजबूत सांठगांठ रही है। यही उनका महागठबंधन है जो सबको बांधने वाला फेविकॉल करप्शन है। आपको पता है, यहां इनके जो नेता गरीबों की थाली से निवाला चुराते हैं, उन्हें प्रेरणा कहां से मिलती है? इनकी प्रेरणा है दिल्ली में बैठे वो नेता जो इनकम टैक्स चुराते हैं, किसानों की जमीन चुराते हैं, अखबार चलाने के लिए मुफ्त में दी गई सरकार जमीन से लाखों रुपए किराया कमाते हैं, देश के रक्षा सौदों में दलाली से भी अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, खुद बेल पर है, खुद तो जमानत पर है, कोर्ट ने जमानत दी है, अगर जमानत न मिली होती तो कहां होते? जमानत न मिली होती तो कहां होते? अरे थोड़े में बच गए हो, थोड़े में बच गए हो। और जो बेल पर है, ये चौकीदार को गाली दे रहे हैं, आपको ये गाली मंजूर है क्या? ये गाली मंजूर है क्या? आप भी चौकीदार हैं क्या? आप भी चौकीदार हैं क्या? मेरे साथ बोलिए, मैं भी, मैं भी, मैं भी। साथियों, करप्शन की, दलाली की, गरीबों से गद्दारी की इन लोगों की आदत बहुत पुरानी है और वो इसके आदि बन चुके हैं। इन्हें देश को, देश की जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की पुरानी आदत रही है। इसलिए ये न देश के जवान की चिंता करते हैं और न ही हमारे नौजवान की चिंता करते हैं। इन्हें न तो देश की क्षमता पर विश्वास है और न ही हमारे युवाओं के सामर्थ्य पर भरोसा है।